हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने घोषणा की है कि जितने भी राज्य में बने राशन कार्ड हैं उनका नवीनीकरण करना है। जो भी राशन कार्ड हैं उनका सभी का नवीनीकरण किया जाना है। तो आपको नवीनीकरण में कोई असुविधा ना हो, उसके लिए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप मात्र एक मिनट में अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कर सकते हैं। देखिए, यहां पे दो माध्यम दिया हुआ है, एक राशन कार्ड का QR कोड स्कैन करके, दूसरा आप लोगों का राशन कार्ड का नंबर डाल के और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको डालकर आप नवीनीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे खाद्य NIC डॉट इन। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा एक ऑप्शन खुल के आएगा जो कि कुछ इस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन निकल के आएगा और नीचे आप थोड़ा सा आके नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे नवीनतम अधिसूचना दिया होगा। यहाँ पे आपको नवीनतम अधिसूचना दिया होगा, जस्ट उसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नवीनीकरण हेतु एपी डाउनलोड हितग्राही। यहाँ पे आपको नवीनीकरण का एक ऐप दिया हुआ है, आप लोग छोटे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप लोग का ऐप डाउनलोड हो जाएगा ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए होंगे, यहाँ पे एक राशन कार्ड का QR कोड स्कैन करें। ये QR कोड कहाँ मिलेगा, जैसे ही आप राशन कार्ड ओपन करेंगे फ्रंट में आपके नाम के साथ नीचे में एक QR कोड दिया रहता है जिसमें कि आपके डिटेल के बारे में पूरा दिया हुआ रहता है। या फिर आप अपने राशन कार्ड का नंबर से यहाँ पे अपने नंबर राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे राशन कार्ड से जो नंबर लिंक है उसको डालेंगे। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको QR कोड के जरिए करना होगा, अगर लिंक है तो आपको यहाँ पर उसका नंबर डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग नंबर डाल लेंगे। ठीक है, नंबर डालने के बाद यहाँ पे नंबर डालने के बाद सत्यापित करें, ऐसा करके आपको करना होगा। जैसे ही आप सत्यापित करेंगे तुरंत आपका जो राशन कार्ड नंबर है उसी से लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो राशन कार्ड है वो सत्यापित कर दिया गया है। चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डाल के, और फिर यहाँ पर आप लोगों का जो राशन कार्ड में नंबर जुड़ा हुआ है उसको डालकर मैं दिखाता हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। देखिए, मैं यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। इसके बाद सत्यापित करें पे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सत्यापित करें हैं, उस पर क्लिक करना है हम लोगों को। जैसे ही आप सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मुखिया का नाम आ जाएगा, सब पूरी जानकारी आ जाएगी, राशन कार्ड का क्रमांक आ जाएगा। यहाँ पे EKYC अपूर्ण लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको EKYC पूर्ण करना होगा। यहाँ पे जो EKYC अपूर्ण लिखा हुआ है इसमें आपको EKYC पूर्ण करना होगा, उसके बाद ही आपका राशन कार्ड लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जिसका यहाँ पे पूर्ण लिखा हुआ है उनको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे ऐसे करके टिक करना है। टिक करने के बाद राशन कार्ड नवीनीकरण आवेदन पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक आपका राशन कार्ड नवीनीकरण हो गया है, एक आवेदन संख्या आएगा जो कि आपका राशन कार्ड नंबर ही होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना करना है, आपका राशन कार्ड नवीनीकरण हो गया। अगर इसका जो राशन कार्ड नवीनीकरण का ऐप लिंक है आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मैं इसका ऐप का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद।